जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न, ठीक है, आपकी एमपीटेट ग्रेड 3 में जो अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक है उससे संबंधित टॉप प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। वन लाइनर प्रश्न होंगे, लेकिन आपको उत्तर बताने होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी लोग इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहला आज का आपका पहला नाम है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, आपको पता होगा इसरो का पूरा नाम क्या है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, ये सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इस संस्थापक जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को, भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है, ठीक है, विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देख लो, इसरो का गठन हुआ था तो कब हुआ था, इसरो का गठन, इसरो का गठन हमें बताना है कब हुआ था, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया हुआ था, अंतरिक्ष विभाग का गठन बताना है आपको, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएंगे। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में जो है स्थापित किया गया, 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत अंदर शामिल किया गया, ठीक है। इसरो का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है हमें बताना है, इसरो का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना, ठीक है, ये इसरो का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है, तब आपका राइट आंसर होगा इसरो ने दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है, संचार दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसेट, और संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS प्रणाली। इसरो ने अभिष्ट कक्ष में इनसेट और IRS की स्थापना के दो उपग्रह प्रमोचनयान और PSLV और GSLV विकसित किए हैं। अगला है उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं उपग्रह, तब आपका बिल्कुल सही आंसर उपग्रहों को इसरो उपग्रह केंद्र IJAC में बनाया जाता है। रॉकेट प्रमोशन यान कहां बनाए जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रॉकेट प्रमोशन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC यानी कि तिरुवंतपुरम में बनाए जाते हैं, BSSC तिरुवंतपुरम में बनाए जाते हैं रॉकेट प्रमोशन यान। रॉकेटों का विमोचन कहां से किया जाता है, रॉकेटों का विमोचन कहां से किया जाता है हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसरो की प्रमोचन सुविधा SDSC हरिकोटा है ना में स्थित है, जहां इसे प्रमोचन यानों और परिज्ञा केटों का प्रमोचन किया जाता है। तिरुवंतपुरम स्थित टल्स से भी परिज्ञा पीरा केटों का प्रमोचन किया जाता है, तब आपको उत्तर सीधा सा बताना, रॉकेटों का जो प्रमोचन किया जाता है वो कहां से, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसे सार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ कहां हुआ, तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ वो कहां हुआ, तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय है ना रॉकेट प्रमोचन केंद्र में हुआ, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ रॉकेट प्रमोचन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया,
क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा तुम्बा से होकर गुजरती है, इसलिए तुम्बा का जो है चुनाव किया गया। अगला है परिज्ञापी रॉकेट, क्या है परिज्ञापी रॉकेट? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, परिज्ञापी का तात्पर्य है ऊपरी वायुमंडल के भौतिक प्रचालों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त रॉकेट है परिज्ञापी रॉकेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय परिज्ञापी रॉकेटों पर अक्षर RH और अंक क्या सूचित करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा RH रॉकेट रोहिणी का द्योतक है और अगले अंक जो है रॉकेट के व्यास को सूचित करते हैं। पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया गया, यह रॉकेट कौन सा था? तो पहला रॉकेट किया गया था नेकी अपाची, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, ठीक है, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया गया था। पहला रॉकेट भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब बनाने शुरू किए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कौन सा है, तो RH-75 है, 20 नवंबर 1967 में प्रमोचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है BSSC का विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? BSSC का विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? तो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC का पुनर्नामकरण के सम्मान में किया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि BSSC के रूप में किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 को असमय जो है निधन हो गया था। इसरो के कितने केंद्र हैं? इसरो के केंद्र बताना है आपको, तो देश भर में इसरो के 6 केंद्र हैं तथा कई नई इकाइयां, एजेंसी, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इसरो 6 प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है इसरो के, तो आपको याद रख लेना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह केंद्र ISSC बेंगलुरु में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सार हरिकोटा में है ना, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में, और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद में स्थित है। तो ये चीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता, अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ हैं, तो आपका उत्तर सीधा सा होगा बेंगलुरु में, लेकिन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये हरिकोटा में है, ये आपको पता होनी चाहिए। इन केंद्रों के प्रमुख कार्य हैं तो क्या हैं, BSSC तिरुवनंतपुरम में प्रमोचन यान का निर्माण किया जाता है, तिरुवनंतपुरम में प्रमोचन यान का निर्माण किया जाता है। आईजैक बेंगलुरु में उपग्रहों को अभिकल्पित और विकसित किया जाता है, तो आईजैक बेंगलुरु में उपग्रहों को अभिकल्पित और विकसित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, देखो इस प्रकार से SDSC श्रीहरिकोटा में उपग्रहों प्रमोचन यानों का एकीकरण और प्रमोचन किया जाता है। LPSC में निम्न तापीय चरण सहित द्रव चरणों का विकास किया जाता है। सैक अहमदाबाद में संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदक तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधित कार्य किए जाते हैं, और NRSC हैदराबाद द्वारा सुदूर संवेदन आंकड़ा अधिग्रहण संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। भारत का पहला प्रमोचन यान कौन था? तब आपका राइट आंसर होगा, भारत का पहला जो प्रमोचन यान का नाम था वो था यान 3, प्रमोचन यान 3 है ना, यानी कि SLV 3, ये पहला माना जाता है जिनसे जो उपग्रह किए जाते ना प्रमोचन बोई। इसका प्रमोचन कब हुआ, तो SLV 3 का प्रथम सफल प्रमोचन हुआ था SDSC सार में, कब, 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ था, 18 जुलाई 1980 को। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित अन्य प्रमोचन यान कौन से हैं? तो अन्य हैं देखो SLV 3 के अलावा भारत में संवर्धित
जो प्रमोचन यान है, उपग्रह प्रमोचन यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान और भूतुल्यकारी उपग्रह प्रमोचन यान का विकास किया। उपग्रहों का मोटे तौर पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है? तो उपग्रहों को मोटे तौर पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन उपग्रह। संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की जरूरतों के लिए भूतुल्य काली कक्षा में कार्य करते हैं। सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है? तो सुदूर संवेदन उपग्रह प्राकृतिक संसाधन मॉनिटरण और प्रबंधन के लिए अभिप्रेत है और यह सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा से परिचारित होता है। क्या? सुदूर संवेदन उपग्रह। NNRMS क्या है? NNRMS क्या है? तो ये होता है दोस्तों NNRMS, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली के लिए जो है परिवर्णी शब्द है। NNRMS एकीकृत संसाधन प्रबंध प्रणाली है जिसका लक्ष्य परंपरागत प्रौद्योगिकी के साथ सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का जो है इष्टतम उपयोग तथा उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित सूचीकरण करना है। पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, इसका प्रमोचन कहाँ से किया गया? तो इसका प्रमोचन 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से किया गया था। इसका जो प्रमोचन 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से किया गया था। भारतीय भूमि से भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन है? तो दिनांक 2 सितंबर 2007 को GSLV F4 द्वारा प्रमोचित 2130 किलोग्राम उपग्रह इनसैट 4 CR भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह है। भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट कौन सा है? तो भारत का जो पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट माना जाता है कौन सा माना जाता है? PSLV भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट है। अब तक इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें और 8 कार्यकारी उड़ानें संपन्न हुई हैं। चंद्रयान 1 क्या है? चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण है। भारतीय भाषाओं संस्कृत और हिंदी में चंद्रयान का तात्पर्य चंद्र अथवा चंद्रयान अर्थात वाहन, अर्थात चंद्रमा अंतरिक्ष यान। चंद्रयान 1 प्रथम भारतीय गृहीय विज्ञान और अन्वेषण मिशन है, चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 कब और कहाँ से प्रमोचित किया गया? तो आपका उत्तर होगा चंद्रयान 1 हरिकोटा, भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन 1 प्रमोचित किया गया था, 2008 को। चंद्रयान 1 कब तक प्रचलन में रहा? तो चंद्रयान 1 28 अगस्त 2009 तक 312 दिनों के प्रचलन में रहा। चंद्रयान के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या हैं? चंद्रयान फर्स्ट मिशन का उद्देश्य दृश्य निकट अवरक्त न्यून ऊर्जा एक्स किरण और उच्च ऊर्जा एक्स किरण क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का उच्च विभेदन सुदूर संवेदन करना है। इसके विशेष वैज्ञानिक लक्ष्य हैं चंद्रमा के निकटस्थ और दूरस्थ जो है 5-10 मीटर उच्च स्थानिक और तुंगता विभेदन सहित दोनों ओर के त्रिआयामी एटलस तैयार करना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन तथा टाइटेनियम जैसे खनिजों और रासायनिक तत्वों तथा उच्च परमाणु संख्या के रेडॉन, यूरेनियम और थोरियम जैसे उच्च स्थानिक विभेदन वाले तत्वों का चंद्रमा की संपूर्ण सतह पर उपस्थिति का रासायनिक और जो है खनिजीय मानचित्रण करना। हम समकालीन समकालिक जो है
प्रकाशीय वैज्ञानिक और भू रासायनिक मानचित्रण से विभिन्न भू वैज्ञानिक इकाइयों की पहचान और चंद्रमा के उद्भव और प्रारंभिक विकास के इतिहास से संबंधित परिकल्पना की जांच करने में समर्थ होंगे, जिससे चंद्रमा की सतह की प्रकृति को समझने करने में मदद मिलेगी। चंद्रयान एक पर कौन से वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं? तो अंतरिक्ष चंद्रयान एक पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे। तो इनमें से देखें, इनमें 5 भारतीय और 6 विदेशी नाम तय, ESA के 3, नासा के 2 तथा बुल्गेरिया विज्ञान अकादमी का 1 वैज्ञानिक उपकरण शामिल है। इनका चयन इसरो के अवसर की घोषणा के माध्यम से किया गया है ना। 2 ESA उपकरणों में भारतीय सहयोग शामिल हैं। चंद्रमा का तापमान कितना है? तो चंद्रमान पर तापमान चरम सीमाओं पर पहुंच जाता है। सूरज की रोशनी में प्रकाशित चंद्रमा का पहलू लगभग 130 अंश तक झुलसाने जितना गर्म हो जाता है, और रात में यही पहलू एक -180 अंश सेंटीग्रेड पर अधिक ठंडा हो जाता है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट को साकार करने का कुल बजट कितना है? तो साकार करने का प्रस्तावित भारतीय चंद्रमा मिशन एक को साकार करने का जो बजटीय अनुमान है 386 करोड़ रुपए। कितना है? 386 करोड़ रुपए चंद्रयान मिशन फर्स्ट का, ठीक है।